सुनो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लिए ऐड किया जा रहा है, मतलब जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। एंथैल्पी तुमने मैंने लास्ट क्लास में ही तुम लोग को बताया था, एंथैल्पी का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे इसका जो सिग्निफिकेंस है वो यही है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी है एटम को तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर एटम से एनर्जी रिलीज हुई है किसी भी प्रोसेस के अंदर तो वो एनर्जी होगी नेगेटिव। तो एनर्जी रिलीज्ड नेगेटिव होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब क्लियर हो चुकी है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू एन आइसोलेटेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कोई भी गैसियस एटम हो, देन द अमाउंट ऑफ और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दोनों केस हो सकते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा एच ई जी। डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी और ई जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच ई जी से। यहां तक ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये कोई एटम एक्स है, गैसियस आइसोलेटेड है, गैसियस होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो क्या बनेगा? एनायन बनेगा गैसियस फॉर्म में। अब मान लो इस रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा एच की वैल्यू है, ये वैल्यू ही क्या बोली जाएगी? डेल्टा एच ई जी। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे 20 जूल्स एनर्जी रिलीज हुई, तो क्या आंसर आएगा डेल्टा एच ई जी का? -20 जूल। ये याद रखें, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको नेगेटिव में लिखते हैं। और कभी कभी स्टेबल एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, जैसे इनर्ट गैसेस हैं, अगर वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो केसेस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। इसका मतलब क्या है? एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है, कभी भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एनर्जी। अच्छा, इस चीज को डिनोट करने का, इस चीज को दिखाने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि हमने ऐसे लिखा है और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस, मतलब कि प्रोडक्ट साइड में 20 जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो +20 हम लोग इक्वेशन के अंदर ही लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर। लेकिन जब डेल्टा एच ई जी फॉर्म में इसी चीज को लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे? -20 जूल। ये कन्वेंशन याद रखना है। मतलब कहने का क्या है, ये प्रोडक्ट एक्स माइनस बना, साथ में 20 जूल एनर्जी भी बनी, फॉर्म हुई, मतलब रिलीज हुई। और उस रिलीज हुई एनर्जी को
डेल्टा एच के फॉर्म में लिखने पे -20 जूल लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। इसी के अंदर आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम लोग ई ए से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन में हल्का सा डिफरेंस है। द अमाउंट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, इट डिनोट्स द, देखो पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखा दूंगा, ज्यादा आसान होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए किसी पर्टिकुलर एटम या एनायन या कैटायन जो भी है उसकी एफिनिटी कितनी ज्यादा है, कितना वो इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन रखता है, और उस अफेक्शन को एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड के फॉर्म में जब हम लोग डिनोट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या लिखेंगे, इट डिनोट्स दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, बस हल्का सा डिफरेंस है, और एब्जॉर्ब्ड, देखना क्या डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा, और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर किसी भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब ही है, बट ध्यान रखें इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, इफ, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ई से ऊपर लिखा है, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड देन ई ए विल बी पॉजिटिव। ये हल्का सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है अगर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, इफ, हाँ जिनका ऊपर का लिखना बाकी है अभी दिखाऊंगा, इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी नेगेटिव। ये एफिनिटी की बात कर रहा है, मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन डाला और जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन रखता है। इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करने चाहिए और एनर्जी रिलीज होगी, तो ये चीज हमारे लिए पॉजिटिव होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज होने पे पॉजिटिव साइन दिया गया है उसको। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता एटम हमने उसमें डाला, तो मतलब एनर्जी हमको अलग से प्रोवाइड करनी पड़ी। इलेक्ट्रॉन को कोई भी अफेक्शन नहीं रखता था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या एटम नहीं चाहता था उसको इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे इनर्ट गैस नियॉन है, हीलियम है, वो नहीं चाहते कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, बट हमने उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से फोर्सफुली डाला, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में ज्वाइन कर जाए, उस एटम में गेन कर लिया जाए। इसलिए एब्जॉर्प्शन पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को नेगेटिव बोला गया है कन्वीनियंस के लिए। तो अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ तुम लोग, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइन है वो बस -ΔHEg करके आ जाएगा। कहने का मतलब है व्हेन डेल्टा एच ई जी इज नेगेटिव, तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा, पॉजिटिव होगा। मैं फिर से तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पिछला सवाल फॉर एग्जांपल वाला, पहले इसको समझते चलो, मैं नोट करने का टाइम दूंगा। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, एक्स माइनस गैस बना था, साथ में 20 जूल एनर्जी रिलीज हुई थी। अच्छा, इसका डेल्टा एच ईजी कितना है बोलो, तुम कितना है बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ईजी, 20 जूल्स।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है बताओ? प्लस 20 जूल। समझ में आ रहा है? सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, सिर्फ किसका डिफरेंस होता है? साइन का। जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे स्टार्टिंग से। ये नोट हो जाए तो बताना मुझे। ओके, वेरी गुड अद्वैत। ओके, एक सेकंड के लिए ऊपर का भी लिखना है, नो प्रॉब्लम। हो गया? चलिए नीचे नोट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। आगे बढ़ा दो। एनीवन रिमेनिंग? ओके, सबका नोट हो गया ये? तो हम क्या लिखेंगे? इन जनरल एनर्जी इज रिलीज्ड, इन जनरल एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन, कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ज्यादातर होता है एनर्जी रिलीज होती है। इन जनरल energy is released when an electron is added, an electron is added into an isolated gaseous atom, ठीक है?
बट फॉर सम एलिमेंट्स लाइक इनर्ट गैसेस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये याद रखें. सबने समझ लिया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सुनो, आगे सुनिए. देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वेरिएशन है वो ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं है, है ना? बट फिर भी हम लिख सकते हैं, इन जनरल इसके एक्सेप्शंस हैं. मतलब एक्सेप्शन कहने का मतलब है उसका प्रॉपर लॉजिक भी है, वही जो मैंने ऊपर लिखा है. बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कई जगह पे ये चीज चेंज होती है. फिर भी हम लिखेंगे इन जनरल. तो इसको लिखते चलो. हाँ, और इसमें ही हम आगे ऐड करते. इन जनरल व्हेन when we move from left to right in a period, when we move from left to right in a period, the value of electron affinity increases as size decreases and Z effective increases. ठीक है. अच्छा बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव में इंक्रीज करेगा. नेगेटिव में इंक्रीज करने का मतलब एक्चुअल में उसकी वैल्यू मैथमेटिकली डिक्रीज करेगी. समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना है हमको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती हैं, इंक्रीज करती हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है, और अगर साइन नेगेटिव के साथ बात करें तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगी. साथ में ही हम लिखेंगे, इन जनरल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देन द वैल्यू ऑफ electron affinity decreases as size increases. जितना ज्यादा साइज होगा उतना कम अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस लगा पाएगा. जैसे तुम अगर बात करो यहाँ पे लिथियम की, तो लिथियम में सिर्फ दो शेल होती हैं ऐसे. और लिथियम के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे डेल्टा एच ई जी की वैल्यू की. कितनी वैल्यू होती है ये, पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख देता हूँ.
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ लिख देता हूँ, तुम लोग इसको थोड़ा एनालाइज कर लो, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो लिथियम की है वो कितनी है, 60 है। इसमें है ये, इसकी जो वैल्यूज है ये सब किलो जूल पर मोल में है, पर मोल लिथियम एटम्स हो और वैल्यू किलो जूल में है। जितने भी हम एटम यहाँ लेंगे सबके लिए वैल्यू किलो जूल पर मोल में लेना है। अच्छा अगर बताओ ये 60 लिखा है, इसका मतलब 60 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है 1 मोल लिथियम के लिए जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो बताओ डेल्टा एच जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -60। ठीक है, अब हम नीचे आ गए तो सोडियम आ गया। सोडियम का साइज बड़ा होता है, उसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होती है। सोडियम इधर लिख लेते हैं सोडियम, ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो सिर्फ होती है 53। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, -53। तो देख रहे हो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है, लेकिन डेल्टा एच ईजी अगर माइनस साइन के साथ देखो तो वो इंक्रीज हो रही है। इसीलिए हम हमेशा मैग्नीट्यूड पे कंसिडरेशन करते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा एच ईजी का वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है इन जनरल हमेशा। अब इसमें 1, 2, 3 और 4 शेल दिखाओ और यहाँ ले लो पोटेशियम, तो पोटेशियम जो है वो सिर्फ रह जाता है 48 और ये -48। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। और यहां क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच इजी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप और एक्चुअल वैल्यू इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ये नोट कर लिया सबने। इसको नोट करने के बाद आगे बढ़ेंगे हम, तब तक इसको नोट करो, इसमें कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हो। अच्छा सबने नोट किया इसको, नहीं इसकी डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं बोर्ड्स में तो, या फिर डाउन द ग्रुप क्या होता है पूछ सकते हैं, क्या ट्रेंड होता है ऐसे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, 1-2 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पहले ये नोट कर लो। सबका नोट हो गया ये, इसी में से डेफिनेशन आ सकती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आ सकती है। कभी कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो एक सवाल बन सकता है इसमें। आगे बढ़ा दें, हाँ नहीं ऐसा नहीं, मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करते, लिखा होना चाहिए
ऐसा पूरा लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर सिर्फ डेल्टा एजी लिखोगे तो वो इंक्रीज करता है, हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड लिखा भी होता है एग्जाम में, जो सवाल आते हैं ना उसमें मैग्नीट्यूड लिखा होता है, नहीं तो कोई बच्चा बोल देगा कि आपने डेल्टा एच ईजी लिखा है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड लिख देते हैं वो। सर वो लास्ट लाइन दिखा सकते हैं आप? यही वाला कौन सा लास्ट लाइन, इसके ऊपर? हाँ सर यही है। ओके, अब देखो सिमिलरली अगर हम लिखेंगे, बहुत सारे डेटा याद करने होते हैं तो जेई में ज्यादा हम लोग याद करते हैं, बोर्ड्स के लिए जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी के अंदर है उतना ही पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी आगे बढ़े। जैसे हम लोग बात करते हैं अगर फॉर हेलोजन ग्रुप, अगर इसकी बात करें, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? फॉर हेलोजन ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सीएल एटम इज मोर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है इसकी, जबकि हमने क्या पढ़ा है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ना, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की, बट फ्लोरीन से भी ज्यादा किसकी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बताओ, क्लोरीन की। इसका रीजन क्या है वो मैं यहां बताने जा रहा हूं। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज, हाँ सुने, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्लोरीन और फ्लोरीन अगर दोनों को देखा जाए, चलो पहले समझा ही देता हूँ, ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नॉर्मल लिखा जाए तो इस तरीके से आएगा, है ना, शेल के हिसाब से लिखें, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 7, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पे आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अगर साइज की बात करी जाए तो फ्लोरीन का साइज है बहुत छोटा सा, स्मॉल साइज ना, फ्लोरीन का जो साइज है काफी छोटा है, उसको थोड़ा छोटा ही बना देते हैं, फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, स्मॉल साइज, और इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये दोनों अंतर तुमको पता होना चाहिए इस तरीके से। अच्छा, अब दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोथ क्लोरीन एंड फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 7-7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है बिकॉज साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, इज मोर देन क्लोरीन बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, समझ रहे हो ना, नेगेटिव चार्ज है ना, हाँ अभी ऊपर करूंगा, तो कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, तो हम लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सीएल इज मोर देन फ्लोरीन बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन फ्लोरीन देन इट
experiences, या ऐसे लिख सकते हैं, it feels more repulsion than chlorine because of its small size. इसके small size की वजह से ये ज्यादा repulsion feel करता है. तो दोनों में एनर्जी रिलीज तो होती है, बट रिपल्सन की वजह से, इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी कम रिलीज हो पाती है. भाई न्यूक्लियस जो है वो तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन रिपल्सन जो है वो इसको पीछे भी तो धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को. यहाँ पे न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन रिपल्सन थोड़ा कम है, बिकॉज जो साइज है वो बड़ा है. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्पर्स है, वो फैले हुए हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर जो आयनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अगर इनकी वैल्यूज की बात करें तो फ्लोरीन के केस में थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो कितनी है, 349 और किलो जूल पर मोल में, और फ्लोरीन की सिर्फ कितनी है, 328 किलो जूल पर मोल. तो ये एक क्वेश्चन नीट में, जेई में तो पूछा ही जाता है, बट बोर्ड्स में ये सवाल काफी बार आता है. तो शुरुआत से नोट करें, जिन बच्चों को नोट करना है. हाँ सर, ऐसा बाकी के लिए क्यों नहीं होता? बाकी के लिए ऑक्सीजन के लिए होता है ना, छोटे में होता है केवल, स्मॉल में. जो बड़े होते हैं ना उसमें वैसे भी इतना डिस्पर्सन होता है कि उसमें इतना इफेक्टिव नहीं रहता, ये न्यूक्लियस चार्ज डोमिनेट करता है. है ना, यहाँ पे नहीं कुछ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो. मान लो अगर रिपल्सन नहीं होता तो एनर्जी इसमें रिलीज होती कितनी, अच्छा दूसरी जगह, हाँ दूसरी जगह तो सही है, दूसरी जगह जो है वो हम बात कर सकते हैं. जैसे कहीं पे अगर हमको प्रोवाइड करनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तो हम लोग जैसे बात करते हैं अगर हेलोजेंस में, तो डेल्टा एच ई जी, हाँ तो डेल्टा एच ई जी जो है वो कितना है, 48. तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है. जीरो इसलिए बोला जाता है कि एफिनिटी अगर किसी की नहीं है तो एफिनिटी जो वर्ड है उसके हिसाब से उसको जीरो बोल सकते हैं कि एफिनिटी उसकी नहीं है. लेकिन अगर एनर्जी के टर्म में बोलोगे ना, एनर्जी के टर्म में, तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैंने जो डेफिनेशन लिखा दी है उसमें एनर्जी लिखा है मैंने, तो वो एक्चुअल में एब्जॉर्ब हो रही है ना एनर्जी. इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते हैं, एफिनिटी नहीं है, लेकिन अगर डाल दिया तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -48. और अगर उसके जो वर्ड है उसकी मीनिंग पे जाओगे तो एफिनिटी उसकी नहीं है, इसलिए उसको जीरो लिख देते हैं. लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे सॉल्व करोगे अभी आगे, तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहीं पूछा जाए तब की बात है ये. और इस केस में फ्लोरीन क्लोरीन में तो मतलब उसमें ऐसा है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहा, उसमें तो रिलीज हो ही रहा है. तो ये याद रखना है, ये तुम्हारा वर्ड का यहाँ पे मीनिंग की बात है, तुम उसको किस वे में लेते हो. सर एक बार थोड़ा और ऊपर करोगे, स्क्रीनशॉट लेना है. कहाँ पे ऊपर, हाँ जी बोलो सर, थोड़ा सा और ऊपर. ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा. सर हो गया, हो गया. अच्छा, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डेल्टा एच ई जी का नेगेटिव कर दिया जाता है. सिंपल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. ठीक है खुशी, ये याद रखना पड़ेगा तुमको. जहाँ पे डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगी, समझ रहे हो. तो वो एक समझाने के लिए बताया जाता है, दोनों
चीजों का अभी तुमको मतलब समझना ही पड़ेगा। पढ़ा दें, सबने नोट कर लिया ये? सर थोड़ा सा ऊपर। हाँ हो गया सर। ओके वेरी गुड। सबने लिख लिया इसको? सुनो, सिमिलरली इन ग्रुप 16, सिमिलरली इन ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, सिमिलरली इन ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सेम रीजन की वजह से, बिकॉज ऑक्सीजन छोटा है, उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ऑर्बिटल्स में जाओगे तो पी ऑर्बिटल्स जो है बहुत पास पास है, कम डिफ्यूज होते हैं। जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा उतना ज्यादा डिफ्यूज होगा। तो किसी भी थ्योरी से लगा लो, ओवरऑल रीजन जो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है इतना ज्यादा लग जाता है कि एनर्जी रिलीज तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन उससे काफी कम रिलीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है, लेस देन सल्फर एंड इवन लेस देन अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। सुनो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ दो, उसको भी लोगे तो उससे भी नीचे ऑक्सीजन आता है। देखो, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है 140 के आसपास है, इसकी 200 है। ये सारे डेटा तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे, वहां पे लेकिन माइनस में दिए हैं क्योंकि डेल्टा एच ईजी दिया है, बट हम लोग चीजों को आसान करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में पढ़ते हैं, और यहाँ 190। तो देखना है तुम्हें कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करने के लिए बोला गया था हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट ये हल्का सा एक चेंज हुआ ऑक्सीजन में और वो अपने ग्रुप में उसकी वैल्यू सबसे नीचे चली गई। याद नहीं रखना होगा, केवल समझना है, ऐसे समझना है कि भाई हमें क्या पढ़ाया गया, बोलो प्रसन्ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जल्दी बताओ, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बोलो एनीवन, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, डिक्रीज करता है, वेरी गुड, डिक्रीज तो करता है, तो यहां से यहां डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन सबसे कम हो गया, यहां आ गया ऑक्सीजन, तो बताओ फिर कैसे लिखा जाए, सबसे बड़ा सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेलुरियम है और सब ऑक्सीजन। ये तुम्हें याद रखना है, इसका कोई भी और तकनीक टेक्निक नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना याद रखना है प्रसन्न, वैल्यू नहीं याद रखनी है, ट्रेंड याद रखना है, रीजन वही है, रीजन इसको नोट कर ले। हाँ, नाइट्रोजन वाले का केस अलग है, उसमें क्या होता है ना, उसमें ऑर्बिटल जो है वो कैसे होते हैं, हाफ फिल्ड, उसका जो है केस थोड़ा सा अलग है। तो अगर नाइट्रोजन का, वैसे तो यहाँ पे जरूरत नहीं है बोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है, उसका भी तुमको मैं सिखा दूंगा। उसमें क्या होता है, इतना ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, बोलो,
कोई भी एटम हो वो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता है, लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं क्योंकि साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होता है, डी ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत टेंडेंसी तो आ जाती है। तो ये चीजें मैं तुमको भी लिखाऊंगा। थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो प्लीज? फिर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ना। हाँ इसको लिखो, यही लिखना है ना। समझ में आ रहा है सर? प्लीज और थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ सर हो गया, थैंक यू। ओके सबने लिखा है ये? एनीवन रिमेनिंग? देखो फॉर नाइट्रोजन फैमिली अगर लिखना है, फॉर नाइट्रोजन फैमिली यहाँ देखो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो बिस्मथ के बारे में अगर तुम इसको छोड़ भी दो तो भी चलेगा, क्योंकि इसके साथ के जो एलिमेंट्स हैं वो आगे चले जाते हैं रेडियो एक्टिव में, तो उनकी अलग बात है, बट इसको अगर रखना है तो रख भी सकते हो। अच्छा ये बताओ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा है? हाफ फिल्ड, 1s2 2s2 2p3। तो ये कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डालने कोशिश करी जाए तो ये जो हाफ फील्ड है वो पार्शियली फील्ड होने लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ये एफिनिटी नहीं रखता है। हेंस नाइट्रोजन डू नॉट हैव एफिनिटी फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नहीं है इसका? कोई एफिनिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो अनस्टेबल ही है, वो तो चार्ज है, वो तो अनस्टेबल होता ही है, वो तो इधर उधर घूमता रहता है, उसको न्यूक्लियस स्टेबल करता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। अरे ये हाफ फील्ड है ना, अगर इस हाफ फील्ड में तुमने इलेक्ट्रॉन घुसा दिया तो ये तो पार्शियली फील्ड हो गया ना, तो ये नहीं चाहता है कि इसको ऐसा बनाया जाए, ये ऐसे रहना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी एफिनिटी नहीं रखता है, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज नेगेटिव, समझ रहे हो, या ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हो। कुछ बुक्स में जीरो दिया है, कुछ में नेगेटिव। नेगेटिव मानोगे तब भी चलेगा, मतलब वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है, उल्टा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। मतलब हेंस जो डेल्टा एच इजी है नाइट्रोजन का वो कैसा है? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। कितना है? ग्रेटर देन जीरो। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी नाइट्रोजन के केस में, समझ रहे हो? तो इसको नोट करो पहले। अब नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है, और इसका साइज भी बड़ा हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? साइज भी बड़ा हो रहा है।
सारे लोग नोट कर चुके हैं, तो ये याद रख लें कि जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है इसमें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी बताओ? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी या एफिनिटी इंक्रीज करेगी। नाइट्रोजन में सबसे कम है, फास्फोरस बोलता है चलो मैं थोड़ा बहुत तो एफिनिटी रखता ही हूँ। ऐसे नीचे जाते जाते सबके लिए नेगेटिव है या ऑलमोस्ट जीरो है, नेगेटिव वैल्यू दी जाती है फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, सबके लिए लिखना है। हो गया? रिवाइज करके आएगा, ठीक है? सबका हो गया? एनीवन रिमेनिंग? चले तो क्या एंड किया जाए इस मीटिंग को? किसी का कुछ बचा है लिखने के लिए? सर आप ये स्लाइड्स ग्रुप पे भेज दोगे? हाँ भेज देंगे। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है सर। मेटल्स में सेम ट्रेंड फॉलो होता है? हाँ सर, मेटल्स में यूनिफॉर्म ट्रेंड फॉलो होता है या उसमें भी उसमें ऐसे साइज रिलेटेड होता है? उसमें थोड़ा है, लिथियम वगैरह में नहीं है बट बेरिलियम में है, क्योंकि एस सबशेल जो है उसका कैसा होता है फुली फिल्ड, तो बेरिलियम वगैरह में क्या होगा ऑलमोस्ट जीरो एफिनिटीज होती हैं, नीचे जाओगे तो थोड़ी बढ़ेंगी, ठीक है? जैसे नाइट्रोजन में ऐसे बेरिलियम में है सेकेंड ग्रुप, समझ गए? बट तुम्हें याद रखना है हैलोजन का ऑक्सीजन फैमिली का, ठीक है? डेफिनेशन इतना बहुत है एनसीईआरटी के लिए, बाकी जो जेई लेक्चर्स हैं उसमें तो ये कवर होगा ही, ठीक है? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। चलो बाय एवरीवन, है ना?
Students, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. So, आप लोगों को अपनी अपनी respected exams की answer sheets वगैरह मिल गई हैं, term exams की, और बाकी सारे exams की मैं आपको अभी जो अपने unit test हुआ है उसकी आज शाम तक आपको मिल जाएगी. Okay. ये जील खाग जील अकेडमी कौन होस्ट कर रहा है सर? माइक ऑफ है.